नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इंटर पेपर लीक मामले पर नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को चौपट कर दिया है। पेपर लीक होना सरकार की विफलता है। पेपर लीक होने के बाद भी परीक्षा क्यों लिया गया? मुख्यमंत्री एक परीक्षा तक सही नहीं करा पा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव अपने दूसरे ट्वीट में सीएम नीतीश कुमार को बंगला और सुरक्षा मिलने पर निशाना साधते हैं। तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की जगह अपने लिए दिल्ली में विशेष आवास और विशेष सुरक्षा की डील कर ली। बिहार की पुरानी मांग और हितों के एवज में नीतीश जी ने अपने व्यक्तिगत हितों को ऊपर रखा। व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए बिहार के अधिकार से समझौता नहीं करना चाहिए था। सुशील मोदी ने पिछले साल नीतीश कुमार को कड़ा पत्र लिखकर पूछा था कि आपके परिवार में मात्र एक सदस्य है, फिर भी आप पटना में दो आलीशान बंगले क्यों लिए हुए? अब नीतीश जी को दिल्ली में तीसरा आलीशान बंगला मिला है। क्या खुलासा मास्टर सुशील मोदी अब सीएम को दोबारा पत्र लिखेंगे? उनमें है हिम्मत? बहरहाल, लोकसभा चुनाव आने में अभी एक साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सूबे में सियासत धीरे धीरे चुनावी मोड में आती दिख रही है। पटना से लाइव सिटीज के लिए देवांशु की रिपोर्ट।